देश में विपक्ष अपना कार्य सरकार की आलोचना के माध्यम से भली भांति कर रहा है कौमा, लेकिन विपक्ष में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौमा, जॉर्ज फर्नांडिस कौमा, ज्योति बसु कौमा, सोमनाथ दादा कौमा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी धार का अभाव है। स्टॉप। जैसा अध्ययन नज़र आता है कौमा, लेकिन सरकार बिना बहुत अधिक प्रचार के अपना कार्य सभी मोर्चों पर कर रही है। स्टॉप। कोरोना के कारण गंगा में शव बहकर आए कौमा, यह भी हकीकत है कौमा, लेकिन यह भी हकीकत है कि 137 करोड़ लोगों के देश में मृत्यु केवल 4 लाख से कम हुई है कौमा, जबकि भारत से एक चौथाई जनसंख्या वाले अमेरिका में भारत से दुगुनी मौतें हुई है। स्टॉप। देश को रचनात्मक विपक्ष की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्टॉप। देश के निर्यात कोरोना काल में भी रिकॉर्ड ऊंचाई व व्यापार घाटा घटा है। स्टॉप। विकास के मामले में सभी संस्थाएं मानने लगी हैं कि भारत शीघ्र ही कोरोना पूर्व की आकर्षक विकास दर अर्जित कर लेगा। स्टॉप। इसमें दो राय नहीं है कि समेकित आर्थिक विकास की दिशा में सरकार के कार्य अच्छे हैं। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्र में 8 करोड़ परिवार रसोई गैस से लाभान्वित हुए हैं। स्टॉप। इसी तरह 12 करोड़ परिवारों को शौचालय का लाभ प्राप्त हुआ है। स्टॉप। अब सरकार की धरातलीय योजना के माध्यम से 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई जल ही जीवन योजना के अंतर्गत 1 लाख गांवों व 78 जिलों में 4.75 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पानी के नल आधारित कनेक्शन दिए गए हैं। स्टॉप। आज देश के 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पानी का कनेक्शन नल के माध्यम से दिया जा चुका है। स्टॉप। इनमें करीब 40% तो गत 2 वर्षों के दौरान ही उपलब्ध किए गए हैं। स्टॉप। यह सभी समेकित आर्थिक विकास का पर्याय है। स्टॉप। वर्ष 2019 की शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्र में नल के माध्यम से पेयजल का कवरेज 17% था कौमा, जो बढ़कर अब 2 वर्ष पश्चात ही 41% हो गया है। स्टॉप। यह प्रगति उल्लेखनीय व स्वागत योग्य है। स्टॉप। कोविड के माध्यम से अनेक बाधाएं आई है कौमा, लेकिन उसके बाद भी सरकार का यह मिशन सफल कहा जा सकता है। स्टॉप। स्वच्छ भारत मिशन को 15 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। स्टॉप। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को शौचालय की सुविधा सुलभ की गई। स्टॉप। अक्टूबर 2019 तक 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच से स्वयं को मुक्त घोषित कर दिया है। स्टॉप। वर्ष 2018 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार डायरिया से होने वाली 3 लाख मृत्यु को बचाने का कार्य भी किया गया है। स्टॉप। यूनिसेफ ने तो भारत की इस योजना को उत्कृष्ट आर्थिक उपलब्धि बताया है। स्टॉप। जल जीवन मिशन के लिए सरकार के कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है और इसके माध्यम से 95 करोड़ ग्रामीण भारतीय नागरिकों को 2024 तक नल से पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टॉप। शायद गत 70 वर्ष की अवधि में किसी सरकार ने यह सोचा भी नहीं कि देश की ग्रामीण आबादी को शौचालय व शुद्ध पेयजल तत्काल सुलभ कराया जाना चाहिए। स्टॉप। गत वर्ष इस मिशन के लिए आवंटित राशि को 11,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टॉप। 15वें वित्त आयोग ने अतिरिक्त 70,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा
जल व सैनिटेशन के लिए की है। स्टॉप। शहरी क्षेत्र में भी 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके माध्यम से 2.86 करोड़ परिवारों को पेयजल की सुविधा नल के माध्यम से उपलब्ध करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। स्टॉप। यह कनेक्शन सभी 4,378 शहरी निकायों के स्तर पर उपलब्ध किए जाएंगे। स्टॉप। इस सार्वजनिक वित्त के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ा गया है। स्टॉप। सरकार की ओर कोई भी योजना जब मिशन के रूप में कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो उसकी लागत भी बढ़ जाती है और समय पर क्रियान्वयन भी संभव नहीं हो पाता है। स्टॉप। जल जीवन मिशन को सरकार निर्धारित समयावधि में ही पूरा करना चाहती है। स्टॉप। इसके पीछे सरकार की नीति स्पष्ट है। स्टॉप। सरकार को जो समर्थन गत वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के स्तर पर चुनावों में प्राप्त हुआ है इसका श्रेय भी सरकार की इन योजनाओं को ही दिया जा सकता है। स्टॉप। पैरा चेंज। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार व सत्ता पक्ष को पर्याप्त जन समर्थन भी ग्रामीण क्षेत्र में मिला है और यह जन समर्थन दीर्घावधि तक जारी रहने की संभावना है। स्टॉप। जल जीवन मिशन को सरकार ने पर्याप्त विकेंद्रित किया है। स्टॉप। यह योजना निश्चित रूप से मांग पर आधारित है और सामुदायिक स्तर पर सफल भी रही है, कॉमा जबकि स्वच्छ भारत मिशन में देश में नए अध्याय की शुरुआत ग्रामीण विकास के संदर्भ में की थी। स्टॉप। जल जीवन मिशन के माध्यम से सरकार समय पर नागरिकों को नल कनेक्शन देने का कार्य कर रही है। स्टॉप। इसके लिए उचित बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जा रहा है। स्टॉप। परिचालन के साथ उसके मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्टॉप। विपक्ष चाहे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी आलोचना कर रहा है, कॉमा लेकिन यह तो हकीकत है कि काम हुआ है। स्टॉप। स्थानीय स्तर पर रखरखाव के संदर्भ में कमियां सामने आ सकती हैं। स्टॉप। पानी के अभाव में शौचालयों के निर्माण की आलोचना भी की गई है। स्टॉप। गत 2 वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 7 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य भी ग्रामीण स्तर पर किया गया है जो दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त सहयोग भी कर रही है। स्टॉप। जल जीवन मिशन तो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व में ही क्रियान्वित हो रहा है। स्टॉप। यह एक नई जागृति का संदेश भी है। स्टॉप। स्वच्छ भारत मिशन तो महिला सशक्तिकरण व बच्चों के स्वास्थ्य का प्रतीक बना है। स्टॉप। इसी तरह ग्रामीण जीवन में पानी की व्यवस्था करना, कॉमा कई किलोमीटर दूर से पानी लाने का कार्य भी वर्षों से महिलाएं ही करती आई हैं, कॉमा बालिकाओं को भी करना पड़ा है। स्टॉप। आज जल जीवन मिशन महिलाओं के लिए ईज ऑफ लिविंग का पर्याय बनता जा रहा है। स्टॉप। अब सरकार ने सभी ग्रामीण व शहरी स्कूलों को 100 दिन की अवधि में शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध करने की घोषणा की है और इसको भी सामयिक कहा जा सकता है और इसके माध्यम से 7 लाख स्कूलों व इतनी ही संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों को पानी सुलभ हो पाया है।